बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। इससे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, साइको एनालिटिक, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। सो ये सारे इसके टाइप्स हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। और इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड वे को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। वुमेन्स एक्सपीरियंस थ्रू आउट हिस्ट्री इन एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न सोसाइटी। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा इन तीन सोसाइटीज़ में? लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन थ्रू आउट हिस्ट्री हैज़ वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द पीरियड एंड कल्चर। तो यहाँ पे हम ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे एंशियंट में, मिडिवल में और मॉडर्न सोसाइटीज़ में। सबसे पहले अगर हम एंशियंट सोसाइटी की बात करें तो उसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, एंशियंट इजिप्ट की बात करें, वुमेन इन एंशियंट इजिप्ट हैड मोर राइट्स कंपेयर टू मेनी अदर एंशियंट सिविलाइजेशन। यानी इजिप्ट में जो है वुमेन को ज़्यादा राइट्स दिए जाते थे, ठीक है। दे कुड ओन प्रॉपर्टी, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, ठीक है, रख सकते थे। इनिशिएट डाइवोर्स, ठीक है, इसी तरह इंगेज इन बिजनेस डील कर सकती थी। रॉयल वुमेन सच एज क्लोरोप्रेटा कुड वेल्ड सिग्निफिकेंट पोलिटिकल पावर, हाउएवर देयर प्राइमरी रोल्स वर स्टिल सेंटर्ड अराउंड दी होम एंड फैमिली, ठीक है। इसी तरह अगर हम मिडिवल सोसाइटी की बात करें तो उसकी अगर हम एग्जांपल ले लें मिडिवल यूरोप की, इन मिडिवल यूरोप वुमेन्स रोल वर लार्जली डिक्टेटेड बाय द फ्यूडल सिस्टम एंड द चर्च। यानी इनका ताल्लुक जो था ये फ्यूडल सिस्टम या चर्च से रिलेटेड था। नोबल वुमेन कुड मैनेज स्टेट्स एंड वर इन्वॉल्व्ड इन अरेंजिंग मैरिजेस एंड अलायंसेस, ठीक है। तो जो नोबल वुमेन होती थी वो क्या अरेंज करती थी? मैरिजेस वगैरह, अलायंस बनाती थी, मीन्स इत्तेहाद वगैरह बनाना, ठीक है। हाउएवर मोस्ट वुमेन हैड लिमिटेड राइट्स एंड वर एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन डोमेस्टिक ड्यूटीज़। लेकिन ज़्यादातर वुमेन का ये रोल है कि भाई उन्होंने डोमेस्टिक ड्यूटीज़ पे ही फोकस करना है। सम वुमेन कुड फाउंड पावर इन रिलीजियस रोल्स। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनका ज़्यादातर रोल चर्च वगैरह इनमें भी, यानी वो कुछ पावर इसलिए भी पैदा कर सकती है क्योंकि वो चर्च वगैरह में काम करना, ठीक है। सच एज़ नन्स, अब जैसे कौन से रोल्स थे या कौन क्या बनते थे ये लोग, नन्स वगैरह, जैसे एब्सेस वगैरह, हु कुड मैनेज कन्वेंट्स एंड वेल्ड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। इसी तरह अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो इसमें 20th सेंचुरी की बात करते हैं, यूएसए की, तो 20th सेंचुरी saw सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वुमेन्स रोल्स, स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। यानी सफरेज मूवमेंट कौन सी, यानी जो वुमेन को जो है वोट का हक दिया गया, ठीक है। एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी इन्होंने, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, टू द राइट टू वोट एंड वुड। वर्ल्ड वॉर saw वुमेन इंटरिंग द वर्ल्ड वर्क प्लेस इन अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स। या वर्ल्ड वॉर टू हम देखते हैं तो उसके बाद भी वुमेन को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। द लेटर हेल्प ऑफ द सेंचुरी विटनेस द राइज ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसी तरह फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है राइज होती है, जैसे ये फर्स्ट वेव की अगर हम बात करें, विच फोट फॉर इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड फे। वुमेन्स रोल्स एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली इन टू प्रोफेशनल फील्ड्स, ठीक है। जैसे अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें, यहाँ पर पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया नहीं, ये यहाँ पर जैसे अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, फर्स्ट जो वेव है फेमिनिज्म की, ये 1848 से लेकर 1920 तक चलती है। तो कितना बड़ा डिस्टेंस है, कितना बड़ा गैप है कि 1848 से लेकर 1920 तक, तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें आ जाता है और कौन कौन से मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, वुमेन ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए थे अपने राइट्स के लिए। वुमेन्स रोल एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली लाइक टू प्रोफेशनल फील्ड्स। इसी तरह जब ऑब्वियसली जब 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो वुमेन को जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मतलब वो कुछ ऐसी फील्ड्स में भी जाती है जहाँ पे कहा जाता है कि भाई ये जो है फीमेल का काम नहीं है। फीमेल जो है ज़्यादातर उनको किस चीज़ से लिंक किया जाता है, नर्सेज वगैरह, यानी नर्स बन सकती है, ठीक है, टीचर बन सकती है। तो इन चीज़ों से ये थोड़ी बाहर आ गई थी, मतलब इन्होंने डिफरेंट फील्ड में जाना स्टार्ट किया, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह होगी, डॉक्टर वगैरह, इस डॉक्टर की फील्ड होगी, इस सारी चीज़ों में जो है इन्होंने अपने कदम जो है जमाए थे। एंड लीडरशिप पोजीशंस, और इवन ये पॉलिटिक्स में भी आ गई थी लीडरशिप। अगर हम बात करें जैसे बेनज़ीर भुट्टो है, और भी दुनिया में बहुत सारी है, इससे पहले भी थी, तो उन्होंने क्या किया, वो मुल्क के जो है सरबराह भी बन चुके थे,
ठीक है, इसी तरह बहुत से ऐसे जगहों पे इन्होंने मतलब अपनी पोजीशन संभाली थी जो एक पहले एक मर्द का काम होता था लेकिन अब वो फीमेल करती है। अच्छा, इसमें फिर एक होता है एज ओल्ड व्यू। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई कि एंशियंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है, इन सोसाइटीज़ में क्या फ़र्क है, क्या क्या चेंजेस आए थे वुमेन में। अगर एज ऑफ वार ओल्ड व्यू की बात करें, वुमेन आर बाई नेचर वीक एंड इरेशनल, यानी वुमेन जो है वो नेचर के लिहाज से देखा जाए तो क्या कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि भाई वो वीक है, इरेशनल है। रोल इन सोसाइटी, अरिस्टोटल जैसे लोग ने भी वुमेन के हक़ में कोई बयान या कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं दी, मतलब वो भी हमेशा फीमेल के अगेंस्ट ही जाते थे। जैसे यहाँ पे एक रोल इन सोसाइटी अरिस्टोटल ने क्या कहा है, अरिस्टोटल असाइंड वुमेन अ सबॉर्डिनेट रोल इन सोसाइटी, ही बिलीव दैट मेन वर नेचुरली सूटेड टू बी रूलर्स एंड लीडर्स। अच्छा, इसका ये मानना था कि भाई ये नेचर की तरफ से है कि मेन जो है वो रूलर है, वो लीडर है, ठीक है। वाइल वुमेन वर सूटेड टू बी रूल्ड, और किस पे रूल करना, वुमेन पे रूल करना, एंड टू मैनेज डोमेस्टिक अफेयर्स, और वुमेन का क्या काम है कि वो डोमेस्टिक अफेयर्स को संभाले, यानी जो घरेलू काम है उनको संभाले। तो अगर ये जैसा फिलोसोफर वुमेन के बारे में ये कहता है तो आगे फिर आप खुद सोच सकते हैं। फिर इसी तरह एग्जांपल इसके हम लेते हैं इन पॉलिटिक्स, ये किसकी एक बुक है, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ही आर्ग्यूड दैट द मेल इज़ बाई नेचर सुपीरियर, इन पॉलिटिक्स में ये कहता है कि भाई मेल जो है वो बाय नेचर सुपीरियर है एंड द फीमेल इन्फीरियर, और फीमेल जो है वो इन्फीरियर है, एंड दैट वन रूलर्स रूल्स एंड द अदर इज़ रूल्ड, मतलब एक कानून एक जो है रूल करता है दूसरे पे, किस पे, यानी औरत पे। इसी तरह इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ की बात करें, अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि अरिस्टोटल कंसिडर्ड वुमेन टू बी इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर टू मैन, यानी जहानत की बात करें तो जहीन कौन हो सकते हैं, ये कहता है कि भाई मेल ही ज़्यादा जहीन है। ही बिलीव दैट वुमेन लैक्ड द रेशनल कैपेसिटी नेसेसरी फॉर लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग रूल, यानी फीमेल के अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं कि वो डिसीजन बना सके यानी क्रिएट कर सके, उसके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी है ही नहीं। इस तरह फिर हम एक और एग्जांपल इसकी पॉलिटिक्स से देखते हैं। पॉलिटिक्स में इसने क्या कहा है, दैट द डिलिब्रेटिव फैसिलिटी इन अ वुमेन इज़ इन्फीरियर एंड दस द शी शुड बी सब्जेक्टिव टू द अथॉरिटी ऑफ मैन, यानी वफूद, जैसे डिलिब्रेट का क्या मतलब है, वफूद वगैरह, ये क्वालिटीज़ के अंदर नहीं है, ठीक है, ये इसमें इन्फीरियर है, किसी से मीटिंग करना ये चीज़ें इनसे नहीं होगी। तो ये जो है इसका काम क्या है, ये अथॉरिटिव रहे, यानी मैन जो है जो इसको कहता है वो इसको मानना चाहिए। फिर इसी तरह डेमोस्ट्रिक रूल्स की बात करें, जेफरसन थॉमस जेफरसन ने क्या कहा था, ये अमेरिका का था, बिलीव दैट वुमेन्स प्राइमरी रोल्स वर विद इन द डेमोस्ट्रिक स्पेयर, इसका भी मानना था कि भाई वुमेन का जो रोल है वो डेमोस्ट्रिक है, यानी घरेलू काम करना, वहाँ तक इसका स्पेयर है, स्पेस है। फोकसिंग ऑन हाउसहोल्ड ड्यूटीज जैसे चाइल्ड रेयरिंग, सपोर्टिंग एंड देयर हस्बैंड्स, यानी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना, बच्चों को संभालना, ये इसका काम है। इन अ लेटर टू हिज डॉटर मार्था जेफरसन रेंडॉल्फ, ही एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वर्च्यूज एंड मैनेजिंग द हाउसहोल्ड, यानी अपनी बेटी को जब लेटर भी लिखता था तो भाई यही कहता था कि भाई अपने जो घर के काम है उस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, जेफरसन डिड नॉट बिलीव वुमेन शुड बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, जेफरसन कभी भी ये नहीं चाहता था कि भाई वुमेन जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले, और होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिस से मरा जैसी बड़ी पोस्ट वगैरह होती हैं, ठीक है, जहाँ पे मर्द ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे फीमेल को नहीं होना चाहिए। हिज राइटिंग सजेस्ट ही सॉ द पब्लिक एंड पोलिटिकल स्पेयर एज द डोमेन ऑफ मैन, तो ये कहता था कि भाई ये सारी जो जगह हैं ये मैन के लिए बनी है, फीमेल के लिए नहीं। जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल है, देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ जेफरसन एडुकेटिंग फॉर वुमेन सफरेज टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस, यानी हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसमें जो थॉमस जेफरसन ने फीमेल के राइट में बयान दिया हो कि वो जो है वोट का हकदार बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें, प्रोटो फेमिनिज्म इन 18th century, सबसे पहला है हमारे पास ओलंपिया द गॉड्स, ठीक है, ओलंपिया द गॉड्स 1791, ये एक राइटर है, ठीक है। ओलंपिया द गॉड्स वाज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स राइट्स, बेस्ट नोन फॉर हर वर्क डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन, ठीक है।
दिस डॉक्यूमेंट वॉज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द डिक्लेरेशन. अच्छा, इससे पहले एक और डॉक्यूमेंट लिखा गया था, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन. ये पहला डॉक्यूमेंट था, इसके बदले में इसने ये डॉक्यूमेंट लिखा था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन. विच इमर्ज फ्राम दी, अच्छा ये फ्रांस है थी, ठीक है, विच इमर्ज फ्राम द रिवोल्यूशन बट फेल टू एड्रेस वुमेन्स राइट्स. लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है. अब आगे इसके साथ क्या होता है, इस गार्ड्स के साथ, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन. ये जो बुक इसने लिखी थी, ये उसको हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या था. द गार्ड रोट हिज डिक्लेरेशन टू द राइट टू हाईलाइट द इनकन्सिस्टेंसीज इन द रेवोल्यूशन प्रिंसिपल्स एंड डिमांड इक्वल राइट्स फॉर मैन. अच्छा, उससे उस वक्त ये फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रही थी, ठीक है. तो इसमें इसने ये डॉक्यूमेंट सामने लाया और कहा कि भाई जो फीमेल है उसको भी राइट्स मिलने चाहिए. इट वॉज मॉडल्ड आफ्टर द 1789 डिक्लेरेशन बट विद अ फोकस ऑन जेंडर इक्वलिटी. लेकिन इसका मेन मकसद ये था कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए. इसी तरह अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में क्या है, द डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ 17 आर्टिकल्स. ये तो ईजी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा. एग्जाम्पल क्या है, वुमेन इज़, आर्टिकल वन क्या एग्जाम्पल है कि भाई वुमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स, ठीक है. सोशल डिस्टिंक्शंस मे बी यूज्ड ओनली ऑन कॉमन यूटिलिटी, यानी जिस तरह मर्द आज़ाद है इसी तरह फीमेल भी आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकती है. इसी तरह आर्टिकल सिक्स हैं, वो किस चीज़ को एम्फसाइज करती है, द लॉ मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर टू इट्स फॉर्मेशन. यानी अपना हिस्सा वो किसी भी वर्क में डाल सकती है, मतलब चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी पब्लिक स्पेयर हो. अरेस्ट एंड ट्रायल, अरेस्ट, ठीक है. अब मैंने बताया ना कि ये जो हमारी राइटर थी ओलंपिया दी गॉड्स, इसको फिर जो है अरेस्ट भी किया जाता है. जैसे इसकी ये पूरी स्टोरी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. फिर ट्रायल्स होते हैं, फिर इसकी एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, सेंटेंसिंग, फिर इसको सेंटेंस टू डेथ जो है दी जाती है, ठीक है. एग्जीक्यूशन, ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन नवंबर 3, 1793 इन पेरिस एज शी वॉज लेड टू द स्कैफोल्ड. शी रिपोर्टेडली डिक्लेयर दैट हर डेथ वॉज अ ब्लोन अगेंस्ट फ्रीडम एंड जस्टिस, हाईलाइटिंग द हिपोक्रेसी ऑफ द रिवोल्यूशन लीडर. इसी तरह दूसरी जो राइटर है हमारे पास, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, ठीक है. ये हिस्ट्री है, ये आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी. अब देखो ये 1792 की बात है, और मैंने बताया ना कि ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है ये 1848 से लेके 1920 तक. तो इट मींस ये जो फीमेल है मैरी वॉलस्टोन, इसने 1792 में एक बुक लिखी थी. जिस तरह हम आगे देखेंगे इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि भाई इक्वलिटी जो होनी चाहिए वो एजुकेशन में होनी चाहिए. ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा. इसी तरह रेशनलिटी एंड वर्च्यू, इसको समझते हैं. रेशनल बीइंग्स, वॉलस्टोनक्राफ्ट एम्फसाइज दैट वुमेन लाइक मैन आर रेशनल बीइंग्स कैपेबल ऑफ रीजन एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच. मतलब जिस तरह मेल को जो है कहा जाता है कि तुम रेशनल हो या ये हो वो फला हो, इसी तरह फीमेल भी जो है वो रेशनल है, वो रीजंस पूछ सकती है, ठीक है. उसको भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे मेल को ट्रीट किया जाता है. शी कंटेंडेड दैट डिनाइंग वुमेन एजुकेशन एंड रेशनल परस्यूट्स रिलेगेटेड देम टू स्ट्रेसर्स ऑफ परपेचुअल चाइल्डहुड, ठीक है. तो कहता है कि भाई अगर आप इस तरह करेंगे, मतलब उसके जो एजुकेशन है वो उसे नहीं देंगे, रेशनल परस्यूट्स वगैरह हो गए, ठीक है, जिसका स्टेटस है, तो ये इस तरह जो मुआशरा है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता. इसी तरह मॉरल इक्वलिटी की बात की गई है. शी एसर्टेड दैट वुमेन शुड बी सीन एज मॉरल इक्वल्स टू मैन एंड बी अलाउड टू कल्टिवेट वर्च्यूज एंड टैलेंट्स. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात, ये तो प्रोटो फेमिनिज्म की बात हमने की, मतलब दो राइटर्स को हमने डिस्कस किया, एक गार्ड, दूसरी मैरी वॉलस्टोन. अगर हिस्ट्री की बात करें फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की, तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है द सिनेका फॉल्स कन्वेंशन, जो कि 1848 में मुनक्किद हुआ. इसीलिए कहते हैं ना कि यहाँ से जो है फेमिनिज्म का, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का आगाज़ होता है 1848 से लेके 1920 तक. तो सिनेका फॉल्स क्या होता है, ये न्यूयॉर्क में हुआ था, और यहाँ पे जो है वुमेंस की एक कन्वेंशन होती है, और क्या होता है इसमें कि राइट्स की बात करते हैं. इसी तरह इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं. ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे राइटर्स को मेंशन किया, ये आप लोगों ने ख़ुद पढ़ने हैं, और यही राइटर ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, जिसमें एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन है एंड लुक्रेटा मोटा है, अलॉन्ग विद मार्टा राइट, मैरी एन मक्लनटॉक एंड जैन हॉन्ट. द आइडिया फॉर द कन्वेंशन एरोज फ्रॉम द
jurisdictions of women who had been excluded from participating in other reform movements, particularly the abolished movement. अब ये abolished movement है क्या, ये आगे मैं आपको बता दूंगा. आगे इस पर मैंने पूरी एक स्लाइड बनाई है, ठीक है, लिखी है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी. मैं समझा दूंगा आपको इस पर्पज़ क्या था सेनेका फॉल कन्वेंशन का. ये इसके पूरे एग्जाम्पल हैं, ठीक है. की इवेंट्स और आउटकम्स क्या थे. डिक्लेरेशन ऑफ सेंटीमेंट्स, ये एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जो लिखा गया था. किसने लिखा था, हमारे पास जो राइटर हैं वो आगे हम देखते हैं. द हाईलाइट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अ डॉक्यूमेंट मॉडल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ड्राफ्टेड फॉर्मली एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन ने लिखा था, ठीक है. ये एक, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, ये आपको समझ आनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में भी कि डिक्लेरेशन ऑफ सेंटीमेंट किसने लिखा था. सो एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन ने लिखा था. अब ये इसका कंटेंट बताया गया है, 18 ग्रेवेंसीज एंड 12 रेजोल्यूशंस, ठीक है. इट्स कॉल फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन, अगेन वही बात कर रहे हैं कि भाई इक्वल राइट्स होने चाहिए मैं फीमेल की. इसी तरह फेमस लाइन क्या था, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन एंड वुमेन आर क्रिएटेड इक्वल. इसका जो फेमस लाइन था इस बुक का या इस डॉक्यूमेंट का वो ये था, मतलब दोनों जो है इक्वल है. रेजोल्यूशंस की बात करते हैं, ये उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है. की फिगर्स कौन कौन से हैं, जिसमें एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन है उसके बारे में थोड़ा बताया गया है, लुक्रेटा मॉट है, ठीक है, फ्रिडरिक डगलस है. इसी तरह इम्पैक्ट एंड लेगेसी क्या है, इमीडिएट रिएक्शन, द कन्वेंशन रिसीव्ड अ मिक्स ऑफ सपोर्ट एंड क्रिटिसिज्म. ऑब्वियसली जब आप कुछ लिखते हैं या कुछ चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप क्रिटिसिज्म भी होती है. सो ये उसकी थोड़ी बहुत, ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना. फिर हमारे पास राइटर आता है जॉन स्टॉट मिल. अच्छा ये मेल है, इसको फीमेल नहीं समझना है आप लोगों ने. ये 1869 की बात है, ठीक है. 1848 तो चलो उसमें कौन आया था हमारे पास, कैडी स्टेंटन आई थी, एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन. अब 1869 में क्या होता है, एक और वर्क लिखा जाता है द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन. ये एक ऐसे हैं जो कि जॉन स्टॉट मिल ने लिखा था, ये 1869 में पब्लिश हुई, ठीक है. दैट अर्ज फॉर इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस, सेक्सेस से मुराद यहाँ पे मेल फीमेल की बात हुई, यानी दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए. आर्गूमेंट फॉर इक्वलिटी, आर्गूमेंट्स किए गए थे, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी बहुत. सोशल एंड लीगल स्ट्रक्चर की बात की गई थी, इसी तरह मैरिज एंड डोमेस्टिक लाइफ की बात की गई थी. इसी तरह फिर हमारे पास जो मूवमेंट्स आती हैं वो क्या है, वुमेंस सपरेज मूवमेंट इन US. अब ये इसका पूरा मैं आपको खुलासा बताता हूँ कि वुमेन सफरेज मूवमेंट, इसका सिंपल एक ही थीम बनता है, वो क्या है, राइट टू वोट या वोट फॉर वुमेन. यानी ये कहती है कि भाई हमें राइट्स दिए जाए कि हम वोट कास्ट करें, तो ये इसका सिंपल थीम है. ये मैंने इसलिए ज़्यादा स्लाइड्स बनाए ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो. अगर मैं यहाँ पे एक एक वर्ड अभी पढ़ना स्टार्ट करूँ तो वीडियो 30 नहीं 25 मिनट से भी 30-40 मिनट तक चली जाएगी. सो इट्स बेटर कि आप लोग इसको ख़ुद पढ़े. अभी वुमेन सफरेज मूवमेंट में सबसे पहले बात करेंगे हम अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन की, 1869 में हुई, ठीक है. ये उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है. इसी तरह फिर दूसरी जो हुई थी वो नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन थी, जिसको नासा भी कहते हैं, 1890 में हुई. अब ये डेट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1869 1890, ठीक है. इसी तरह ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, उसका मिशन क्या था, लीडर्स कौन थे, यूनिफाइड अप्रोच क्या थी, फाउंडर्स कौन थे, ठीक है. ये सारी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है. फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट कैंपेन्स क्या थी, 19th अमेंडमेंट आ जाती है जिसमें वो मुकम्मल जो है राइट दी जाती है फीमेल को कि वो वोट कास्ट कर सकती है. ये अमेरिका में जो है न्यूयॉर्क में रिप्रेजेंट की गई थी, यहाँ पर लिखा भी होगा, ठीक है. इसी तरह लेगेसी है. अब ये देखो यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन है, हम उधर क्यों देखें, यहाँ पे देखो नीचे लिखा है मैंने कि 19th अमेंडमेंट इन द US कॉन्स्टिट्यूशन जो 1920 में पब्लिश हुई. अच्छा इसमें जो है ये लोग इनको राइट दी जाती है, मतलब रेटिफाई किया जाता है कि भाई फीमेल जो है वो वोट कास्ट कर सकती, और ये अमेरिका में रिप्रेजेंट की गई थी. टेक्स्ट है, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड इसके बारे में बताया, रेटिफिकेशन है, इम्पैक्ट है. अच्छा इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब ऑब्वियसली जब आप कुछ करते हैं जब उसका असर पूरी दुनिया पे फिर होगा. मतलब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी अमेरिका में लेकिन इसका असर जो है पूरी दुनिया पे पड़ता है, जैसे सेटी बैंड इन इंडिया, ठीक है. इसी तरह फीमेल फूड बैंड इन चाइना. इसी तरह क्या होता, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई रशिया में, जर्मनी में ओपन हुई वुमेन के लिए, और डिवोर्स जो है वो लीगलाइज थ्रू आउट दी वर्ल्ड. अब फैक्टर्स क्या थे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के, सबसे पहले हम बात करते हैं कल्ट ऑफ वुमेनहुड की.
इसका सिंपल मतलब ये है कल्ट ऑफ वुमेनहुड का, मतलब हम जो कहते हैं ना कि औरत को ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, इसका सिंपल कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसके फैक्टर्स बने थे, मतलब इसलिए फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है हमारे सामने आता है। प्रोलिफरेशन दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स में आता है, पहला ये है, दूसरा ये है प्रोलिफरेशन ऑफ लिबरल फिलासफी एंड इन्लाइटमेंट आइडियाज़। अब लिबरल फिलासफी क्या है, ये 17th-18th century में जो है इमर्ज होती हैं, इसमें जो है इंडिविजुअल की लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब इन्लाइटमेंट आइडिया, और यही चीज़ जो है लिबरल मतलब जो फेमिनिस्ट है वो भी यही तो चाहती है कि भाई लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, ठीक है, डेमोक्रेसी हो। इन्लाइटमेंट आइडियाज़ क्या है वो, इसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, वॉज एन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल मूवमेंट्स दैट डोमिनेटेड यूरोप इन द 18th century। इट्स एम्फेसाइज ऑन रीजन, साइंस एंड प्रोग्रेस, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड वेस्ट वे फेमिनिज्म। इसमें रहनी जो साइंस वगैरह है वो तरक्की करने लगा, ठीक है, रीजंस की बात हो गई कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप करते तो उसके रीजंस पूछे जाते थे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो मॉडर्नाइजेशन तो फीमेल में भी शहूर आएगा, तो एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड की गई थी जिससे उनके अंदर शहूर आया और उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। इसी तरह राइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह मैसिव चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर्स एंड सोसाइटी इन द वेस्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ द 19th century, एबॉलिश्ड मूवमेंट्स, मैंने बताया था कि मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, बाकी आप इस डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है उधर भी देख सकते हैं गूगल वगैरह पे। द एबॉलिश्ड मूवमेंट वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। अच्छा, इसका सिंपल कंसेप्ट ये है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कि जो स्लेवरी है उसका कंसेप्ट ख़त्म हो जाए, मतलब जो स्लेवरी है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, किसी को ग़ुलाम बनाना ये कंसेप्ट बिल्कुल इन्होंने कहा कि भाई अब ख़त्म होना चाहिए। तो 1930 तक ग्रेट ब्रिटेन पर US की बात आ जाती है, सारी चीज़ें जो है एबॉलिश्ड मूवमेंट्स में आ जाती है। इन्फ्लुएंस ऑफ 19th century एबॉलिश्ड मूवमेंट्स, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ 19th century एबॉलिश्ड मूवमेंट्स। अच्छा, ये यहाँ पे प्रोग्रेसिव मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है, एबॉलिश्ड तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ 1980s, ठीक है, यहाँ पे इसकी बात की गई है। इसी तरह फिर वोट की बात हम करते हैं कि न्यूजीलैंड में औरतों को वोट कब मिला, UK में, USA में, मेजर प्रोमिनेंट्स में, तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई ये सारे जो है मेजर प्रोमिनेंट्स में भी आते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो की एंडिंग होती है। मेजर प्रोमिनेंट कौन कौन से हैं जिसमें हमारे पास, ये हमने यहाँ पिछले स्लाइड्स में पढ़े थे, सबसे पहले आता है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ था, ये जॉन स्टॉर्ट मिल है, ठीक है, इसी तरह एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन है, लुक्रेटा मोट है, इसी तरह फ्रेडरिक डगलस है, और भी बहुत सारी जो हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।